Hello, welcome back at Technical Analysis World. Are you ready to learn an amazing method? Definitely yes. So method kya hai? Dekh lete hain. But start karne se pehle, don't forget to subscribe the channel as well as bell icon. Aur ye number save kar lijiye. If you want on WhatsApp, WhatsApp se base platform koi nahi hai. Just save the number, send your name with the series. So let's start without wasting the time. So this is the daily chart of freelance. Okay, I will explain you on two scripts. Okay, one is Reliance and second will be Adani Enterprise, right? दोस्तों MACD जिसका नाम ही है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस. बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं जिसमें दिखाया जाता है डाइवर्जेंस, बट कैसे डाइवर्जेंस फाइंड करें, कौन कौन से स्टॉक में फाइंड करें, लोअर टॉप लोअर बॉटम तो हर स्टॉक्स में बनता रहता है, कितने स्टॉक्स में आप फाइंड करोगे और उसको ट्रैक करोगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू शो यू द इजीएस्ट वे कि कौन कौन से शेयर में आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलता है, तो उस शेयर में आपको हो सकता है आप सेल की अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, और उसको कब आपको कन्वर्ट करना है सेल में, राइट, उसका बेनिफिट कब लेना है वो देखते हैं. तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अदानी एंटरप्राइज में. अभी अदानी एंटरप्राइज में MACD E12, E26, E9 ये 09 के ऊपर है, राइट. अभी रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन है, ये रेड अपनी MACD सिग्नल लाइन है और ये ऊपर क्रॉस ओवर दिया है बुलिश. प्राइस वॉज गोइंग अप स्मूथली अदानी एंटरप्राइज. अभी देखते हैं वी गॉट द बेरिश क्रॉस ओवर, राइट. जो कैंडल में बेरिश क्रॉस ओवर आता है उसके लो के नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए दोस्तों. मैं सपोर्ट लाइन नहीं कह रहा हूँ, राइट, जस्ट टू गेट द लेवल. ओके, वी नेवर यूज द वर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो व्हाट हैपन ऑन दैट डे, वी गॉट द बेरिश क्रॉस ओवर. ओके, उसका जो लो है 194.05, उससे एक कैंडल अप चाहिए, यानी ये लो से एक ये लो अप चाहिए. ओके, और बेरिश क्रॉस ओवर का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो दिख ही रहा है दोस्तों कि कंटिन्यू है, राइट. तो अभी आपका ये लेवल सबसे बेस्ट है 194.05, जब तक ये बेरिश क्रॉस ओवर कंटिन्यू रहता है, राइट. ओके, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं MACD की, इसीलिए MACD पे फोकस कर रहे हैं. बाकी हो सकता है कोई और स्टडी से बाई ट्रेड यहाँ कहीं पे हो भी, राइट, बट अभी फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन ओनली MACD. तो दोस्तों देखो इतना बड़ा डाइवर्जेंस चल रहा है, राइट. कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कहीं पे भी सेल करते रहते हैं कि MACD इज गोइंग डाउन सो प्राइस शुड गो डाउन. ओके, बट ऐसा होता नहीं है ना दोस्तों, राइट. हमने सोच लिया ऐसा, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ 2005 में डॉक्टर रेड्डी में, MACD उसकी नीचे जा रही थी और एक फ्यूचर सेल करके बैठ गया था, राइट. अभी क्या हुआ था वो तो आप देख ही रहे हो, यहाँ कहीं पे बेचा था और फिर ये बढ़ता ही रहता है, MACD नीचे ही जाती रहती है. ओके, और मैं फंस गया था उसमें, तो टेक्निकल जानने के बावजूद भी मैंने लॉस किया था. ओके, सो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस फार्मूला है. सब ये डाइवर्जेंस की बातें करते रहते हैं, फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के शॉर्ट ही करते रहते हैं, शॉर्ट ही करते रहते हैं. ऐसा नहीं करना है. ओके, ये लेवल पे मान लो इसने बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया तो क्या होगा, आप ट्रैप हो जाओगे, फिर तो डाइवर्जेंस सब खत्म हो जाएगा. ओके, तो अभी डाइवर्जेंस आपका कंटिन्यू है जब तक ये ग्रीन लाइन जो है वो ये अपनी रेड लाइन के नीचे है, सिग्नल लाइन के नीचे, राइट. अभी बात है दोस्तों इसमें सेल कब करना है. ओके, तो सेल का एक सबसे सेफ अपर सेफ एंट्री है यही है, राइट, जिस दिन बेरिश क्रॉस ओवर आ गया है. लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर का जो फोर्स आना चाहिए था, ओके, वो अभी भी पेंडिंग है. ओके, सो उसकी इफेक्ट अभी आई नहीं है, राइट, बट प्राइस वॉज गोइंग अप. ओके, तो दोस्तों ऐसा लग रहा है अभी कि ये जो लेवल है वही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, उसके अलावा तो कोई लेवल है नहीं. ओके, या फिर आपको बेचना हो तो आपको एक चीज करनी है, जहां से ये क्रॉस ओवर आया है मैंने क्या बताया उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस कैंडल से एक लो ऊपर यानी हायर बॉटम तो हमें मिल गया, राइट. अभी बात है यहाँ पे अलग अलग चीज बैठती है सेल का ऑर्डर कंफर्म करने के लिए. ओके, तो मैंने ड्रॉ कर दी है ट्रेंड लाइन, राइट. एंट्री नंबर 1 आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ के ये लो है वही एंट्री है सेल के लिए बेस, तो आपको लगेगा कि 194 है और अभी तो चल रहा है 209, तो मैं तो यहाँ पे बेच के 194 पर तक खरीद भी लूंगा, तो वो गलत बात है दोस्तों. आप देखो क्या हो रहा है, नीचे जाने के बजाय प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर ही जा रहा है, राइट, वो इग्नोर कर रहा है MACD को. ओके, सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए तो सेल बन सकता है. सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, राइट,
देखते हैं पेंट में। दोस्तों अभी कंफर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है अपनी, यही लो है और तो कोई नहीं है, राइट। और मान लो ये उसने ऊपर क्रॉस ओवर दे दिया वो लो ब्रेक होने से पहले लाइक दिस, तो अपना डाइवर्जेंस जो है वो फेल हो जाएगा, राइट। फिर तो आपको बुडिस हो जाएगा, बुडिस क्रॉस ओवर आ गया तो फिर तो क्या करना, कुछ नहीं, राइट। मैं जैसे फंस गया था वैसे आप भी फंस जाओगे अगर शॉर्ट कर दिया तो, राइट। तो यहाँ पे वेट फॉर दिस लेवल, सो एंट्री नंबर वन जिस दिन बेरिस क्रॉस ओवर आया था वो, राइट। अभी मैं सब बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ कोई आधा अधूरा नॉलेज नहीं रखूंगा। मान लो यहाँ से ये लेवल टूटा, ओके, तो बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस क्या आएगा, तो स्टॉप लॉस आपका जिस दिन ब्रेकआउट आता है उसका प्रीवियस हाई। दोस्तों दिक्कत ये है कि फ्यूचर में ही शॉर्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि डेली चार्ट है, ओके। तो ये अभी फिलहाल पोजिशनल के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये डेली चार्ट है, तो ये दिक्कत है कि शॉर्ट करने में फिर फ्यूचर का लॉट कितना बड़ा होगा, तो आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो पहले आप देख लीजिए आप रिस्क कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो मैनेज, तो गो देन गो विद द पुट, ओके, एडवाइजेबल टू गो विद द पुट और अवॉइड द ट्रेड, या आपका कैपेसिटी है तो ही जाइए, राइट। दूसरा एंट्री हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, लेकिन उससे पहले टेंडेंट ब्रेक होती है, जैसे सपोज कल उसने नीचे क्लोज दे दिए, उसके बाद इट टेक्स रिएक्शन, यानी प्राइस ऊपर जाता है, राइट। तो थर्ड कैंडल में रिएक्शन एक ही कैंडल का होना चाहिए, उसके बाद अगर ये लो ब्रेक होता है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए बेरिश वाला पोर्शन, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेक होगा, फिर अभी ये जहां पे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो अपना सेल का प्राइस ऐसे बनेगा, राइट। फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए वी विल वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, सो ग्रीन कैंडल का हाई विल बी द स्टॉप लॉस, राइट। सो मैंने बता दिया दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, फिर रिएक्शन होना चाहिए एंट्री नंबर टू। एंट्री नंबर वन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, राइट, कि यही बॉटम है अभी तो फिर जो बहुत दूर है, राइट। तो स्टॉप लॉस बड़ा आएगा जब भी तोड़ेगा, राइट। वन ऑफ द बेस्ट, ओके, जो सबसे फेवरेट है, ओके, मैं ज्यादातर मैं एडवाइजेबल मैं प्रीफर करता हूँ गो विद द गैप, राइट। शॉर्ट है तो प्रीफर करता हूँ गैप डाउन, गैप डाउन में हो सकते हैं बैड न्यूज हो, राइट। अभी देखते हैं अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो क्रिसमस है, छुट्टी है मार्केट में, राइट। तो कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ और ऐसे रह गया, और मान लो अपना ये लो टूटा ही नहीं है, राइट, लो टूटता है तो एंट्री नंबर वन, लेकिन ये मैं अभी बता रहा हूँ एंट्री नंबर थ्री, अगर गैप डाउन हुआ और ऐसे क्लोज दे दिया, राइट, तो उसके बाद आपका ट्रेड बन सकता है इसके लो के नीचे, राइट। और आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो एंट्री नंबर फोर भी बता देता हूँ, गैप डाउन से ट्रेंड लाइन को तोड़ना और फिर रिएक्शन देना, राइट। तो उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो उससे पावरफुल तो शायद कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो अभी फिलहाल इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, अभी ये चीज इसमें हुई है, ये एजुकेशनल पर्पस से है, तो सिर्फ वॉच कीजिएगा दोस्तों, सीखने में पहले सीखिए दोस्तों। अब जब भी हमने कोई भी जगह पर हम जॉब कर रहे हैं, राइट, तो जॉब करने से पहले हमने डिग्री हासिल की है, यहाँ पे डिग्री तो वैसे चलती नहीं है, राइट, बट हमें एक्सपीरियंस देना चाहिए, पहले सीखना चाहिए। भाई बात है रिलायंस की दोस्तों, तो देखो इस दिन इसने दिया था बेरिश क्रॉस ओवर, राइट। अभी ये लाइव जो ये एग्जांपल हो चुका है जिससे हमने ये चीज आपके साथ शेयर कर रहा है, हमें आइडिया है और अदानी एंटरप्राइज को हमने कैच कर लिया। सो 4th दिसंबर को ही बेरिश क्रॉस ओवर आया, उसके बाद देखिए वो लो टूटा ही नहीं है, हमें तो एक ही हाई एक ही लो ऊपर चाहिए, फिर तो बहुत ज्यादा कैंडल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्राइस वॉज ट्राइंग टू गोइंग अप, ओके। फिर देखिए यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हो कि मैंने क्या बताया था कि कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन मैं ड्रॉ करता हूँ पिचफॉर्क, या ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो मेरा पिचफॉर्क है ना, उसने गैप डाउन से ब्रेक किया, एक तो एंट्री नंबर वन यहाँ है, राइट, जो दूर है, लेकिन एडवांस में जाना है तो पिचफॉर्क या ट्रेंड लाइन, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। पिचफॉर्क नहीं ड्रॉ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई फोर्स नहीं है, राइट। ये देखो ये भी है, राइट, तो इसके लो के नीचे भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है वो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज आया है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे पिचफॉर्क जो है अपना बैठ रहा है, उसने ट्राई भी किया देखो बट ऊपर नहीं जा पाया, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकता, गैप डाउन होने दो, कोई कंफर्मेशन आने दो, तो आपका सेल यहाँ पे बन रहा था ये लो के नीचे, राइट। अभी देखिए गैप डाउन और यहाँ से अपना सेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस दिन जब सेल स्टार्ट हुआ तब आपका स्टॉप लॉस था ये है, राइट,
अभी क्या करना है दोस्तों, जस्ट वेट टू रिवाइज, राइट। रिवाइज करने के लिए वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, उसका है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मैंने ऑलवेज कहा है दोस्तों, एडवाइजेबल है शॉर्ट करना या फ्यूचर में करना एडवाइजेबल है ओनली इन इंट्राडे, बट पोजिशन में शॉर्ट करना मुश्किल है। और मैं खुद भी जब भी ट्रेड करता हूँ तो पोजिशन में सिर्फ ऑप्शन में ही करता हूँ, राइट। तो जो सच है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ओके, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, पोजिशन में बड़े बड़े लॉट होते हैं और दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो पूरा अपना अकाउंट एक ही दिन में साफ हो सकता है, बट ये एजुकेशनल पर्पज से आप यूज कर सकते हो, राइट। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं, ऐसा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और फटाफट से जो मैंने बताया था आपको वो नंबर सेव कर लीजिए, राइट, अगर नहीं किया हो तो, राइट। सो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, एंड फॉलो द स्टॉप लॉस, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर 2020 में भी वापस ऐसे ऐसे नए वीडियो रखते रहेंगे, अभी तो ये साल भी बाकी है। ओके, सो नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे।